जिंग होलिस्टिक डिवेलमेंट एंड थ्रू दिसन बी एबल टू एनालाइज दर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ह्यम्यूनिटी होलिस्टिक डिवेलपमेंट क्या है हम देखें तो आप देखेंगे की मजमुई तौर पर जो आपकी uh, नशो नुमा है उसको किस तरीके से हम इनक्रेज कर सकते हैं हौसला अफजाई कर सकते हैं Uh, जो होलिस्टिक uh, डेवलपमेंट की जो अप्रोच है uh, वो इस तरह से बच्चे की जिंदगी में बहुत uh, मज़बूत किस्म की और बड़ी बुनियादी ज़रूरत महसूस होती है और होलिस्टिक डेवलपमेंट को मैंने पिछले तमाम लेक्चर्स में बड़े uh, बहुत मरतबा इसको uh, बताया है आपको एक मरतबा फिर आपको बताते चले जाती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है दिस इज इमोशनल सोशल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट विच विल प्रिपेयर दम फोर लाइफ टाइम तो ये तमाम किस्म की जो डोमेन्स हैं एक बच्चे की जिंदगी के इस ये उसको उसे मुस्तबिल के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे होते हैं जब हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्ड हुड जो केयर है इसके जो एजुकेटर्स हैं इसके जो उस हैं वो कि अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करते हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि वो इन एरियाज को आइडेंटिफाई करें इनको निशानदेही की जा सके उन्हें अंदाजा हो कि इनके साथ हमने इन डोमेन्स को इन लेवल्स को किस तरीके से बच्चे की जिंदगी में डेवलप करना है और फिर इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे किस चीज की ज़रूरत हो सकती है देयर फर्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर आ, एजुकेटर्स बड़े अहम हैं तो उनके जो बच्चों के साथी हैं जो उनके साथ उस सेटअप में हैं वो कितने अहम हैं जाकर और वो हमेशा से हमने देखा इन सेटिंग्स में बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं कॉपरेट करते हैं मददगार साबित होते हैं और एक मजमू तौर पे हम देखें तो एक दूसरे के साथ वो मिलकर चल रहे होते हैं और जब ये ऐसी माहौल नज़र आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो एजुकेटर्स हैं ये होलिस्टिक अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए बच्चे की जो बहुत नशो नुमा के मराहल हैं उनसे जुड़ते हैं तो फिर वो एक ऐसी कुदरती नेचुरल इन्वामेंट को तरतीब देने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें कि वो एक एक्टिव लर्निंग के ज़रिए से जिसको एक्टिव लर्निंग को का कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत सा है कि उनको आ, इस तरीके से ताल्लु करवाया जाए कि वो खुद से सीख सकें और तेज़ी के साथ सीख सकें और दूसरी जो बहुत सारी माशरती सरगर्मियाँ उनके जरिए से वो सीखेंगे तो तमाम जो ऐसी चीजें हम ऐड करेंगे आ, अरेंज करेंगे उसके लिए तो उसके उसे हम कहेंगे कि ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनती चली जा रही कुदरती तौर पर एक ऐसा माहौल जो कि उसकी आ, मुकम्मल नशो में मददगार साबित हो सके आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन जो हैं, उसमें मतलब यह है कि यस और नो नहीं होता आपको अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है आप कुछ इस तरीके से उसको मुरतब करते हैं कि जो आप समझते हैं आप बयान करना चाहते हैं वो आपको खुद से जनरेट करना पड़ता है जो आपकी एबिलिटीज है, है, हैं स्किल्स हैं महारतें आपके पास हैं उसके मुताबिक अपने नॉलेज के मुताबिक आप जवाब देते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हम देखें कि हम बच्चे को खुले सवालों की तरफ लेकर जाएं वो सवाल पूछें जस्तजू करें और आ, उन उनसे हम कहें कि इसके जवाब भी ढूंढो और फिर उनके हेल्प आउट किया जाए कि इनकी आ, किस तरीके से हम आ, मदद करें कि वो अपनी जहनी सलाहियतों को बुरकार लाते हुए इन तमाम जो सवाल जवाब देने के काबिल हो सके और नई जो डिस्कवरीज है बच्चा वो इस तरीके से कर सकेगा बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बच्चे को आपने देख करना एनकरेज करना है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करे और बेहतरीन तरीके से वो uh, दूसरे के साथ बातचीत करने के काबिल हो जाए और बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ चाइल्ड यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रोंग एंड सेफ कम्युनिटी जब आपका एक जो रिश्ता है जो आपका तालुक बच्चे के साथ बन जाएगा और वो बेहतरीन ताल्लुक बनेगा जिस तरह के आप इंटरेक्ट करेंगे तो ये ताल्लुक जो है वो बेहतरीन माशरा बनाने के काबिल हो जाएगा और इस तरीके से हम देखेंगे कि से कनेक्शंस बिटवीन चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड अदर एजुकेटर्स इस तरीके से बच्चा अपने पेरेंट्स दूसरे पढ़ाने वाले और अपने साथियों के साथ बेहतरीन तल्लु बनाता है आइडेंटिफाई द चाइल्ड इंटरेस्ट जो माहिर तालीम है सारे और जो रिसर्च uh, कहती है कि जब जो चाइल्ड एजुकेटर है वो समझना चाहिए उसको कि वो किस तरीके से बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उसका खोज लगाए और जब वो इसको जान लेगा तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से वो बच्चे के साथ तल्लुक बना लेगा और उसको मोटिवेट कर सकेगा कि वो दूसरे बच्चों को गाइड करे उनके साथ तल्लु बनाए इतनी एक, एक शनाख्त बनाए और फिर वो इन सारी जो, जो एलिमेंट्स हैं उनको लेकर एक बेहतरीन बाकसद जिंदगी गुजार सके क्रिएट एन एंगेजिंग एंड इन्वाइटिंग इन्वामेंट चाइल्ड टू कनेक्ट टू ईच अदर सपोर्टिंग चिल्ड्रन एज दे लर्न एट देर ओन पेस जब हम देखते हैं कि हम बच्चे को उसकी मर्जी से आ, आ, सिखा रहे हैं और उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तो वो फिर आ, अपनी बेहतरीन लर्निंग कर सकता है और एजुकेटर्स के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि उनको बच्चे की हौसला अफजाई करनी है और उसने उसके लिए ऐसी एनवायरनमेंट ऐसा माहौल बना के देना है जहाँ पे उसकी तख्लीकी का जो सलाहियतें हैं वो बेहतरीन तरीके से उभर कर सामने आ सके और वो एक मुकम्मल कंफर्टेबल माहौल में जाकर अपनी लर्निंग को बेहतर बना सके जो कि हमेशा जो जब हम कहते हैं कि ये आरामदेह माहौल है तो वो माहौल एक नेचुरल एनवायरनमेंट की शक्ल में नजर आना चाहिए शुक्रिया